मुझे मेल आया है उनका, आप देख सकते हैं ये क्या मेल है। अब पढ़ के सुना थी। धमकी दी है क्या लिख के LB ग्रुप, मतलब कौन सा ये LB ग्रुप, मतलब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, आप देख सकते हैं। कैमरा में दिखा दीजिए, इसे दिखा दीजिए, यहाँ पे घुमा के बैठो, थोड़ा घुमा दीजिए। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी ब्रा ग्रुप, मुझे है मुझे जी रख, चलो हो गया, बताइए। तो कह रहे हैं कि अपने प्रिंस प्रिंस मावी भाई कह रहे हैं, धमकी मुझे धमकी दे रहे हैं कि सॉरी मैं भी एकदम वो ऊपर से राखी, हमारी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, तू सलमान खान के मैटर में इन्वॉल्व मत हो वरना तुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और तेरे भाई सलमान को हम बॉम्बे में ही मारेंगे, वो कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ले, अब की बार उसने सिक्योरिटी में अब की बार वो सिक्योरिटी में है, एक है मैनेज, व्हाट इज दिस, मैं ही मारेगी, अब की बार हम उसे सिक्योरिटी के साथ ही मारेंगे, ऐसे लास्ट वार्निंग है राखी तेरे लिए, वरना फिर तू क्या तू भाई तैयार, वरना तू भी भाई तैयार रहना, गुज्जर प्रिंस बिश्नोई ग्रुप से। कैमरा कहाँ है, आप लोग देख सकते हैं। राखी जी मेरा सवाल रहेगा इस विषय पे, अब कितना आप सीरियस ले रहे हो, पुलिस को आपने कहा कि अरे पुलिस को और भी तो काम है, बट भाई मेरे को भी अभी तुम लोग कैमरे से दूर रखो, थोड़ा दूर। मैंने सुना कि अभी किसी को कैमरे में कोई दो आतंकवादी थे, पता नहीं कौन थे, कौन थे वो लोग, वो इंटर में बातें करते हुए मारते गोली मार दी, ए गोली मार रहे क्या, नहीं 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 जी धक्का मार रहे हैं, उधर हो जाओ यार, अरे भाई ए दूर हटो, चलो दूर हटो, गोली गोली मार रहे हो क्या तुम लोग, तो क्या मार रहे हो, वीडियो मतलब आंख मार रहे भाई, पता नहीं ना, मालूम नहीं ना, यहाँ पे मीडिया के आज तुम लोग भी सेफ नहीं हो भाई। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय है, मैं बहुत ही शौक हूँ कि भाई इस दुनिया में नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। सलमान भाई के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना बॉलीवुड में या किधर भी, जब इंसान मर जाता है तो मोमबत्ती लेके बाहर निकलते सड़क पे, फिर रोते हैं, फिर बैठ देते। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो हुआ, मेरा खुदा मेरा अल्लाह मेरा जो रोज़ा है, मैं खुदा से प्रे करती हूँ कि ऐसा कभी मेरे भाई के साथ, सलमान भाई के साथ ना हो, क्योंकि उनकी उनके बहुत एहसान है मेरे पे, मेरी माँ पे, हमारे ख़ानदान पे बहुत कर्ज है। तो इसीलिए मैं मीडिया में आके बोलती हूँ कि विष्णु भाई, बिश्नोई ग्रुप, बिश्नोई भाई, बिश्नोई समाज, इसीलिए मैं आपके सामने आके उठक बैठक करी थी। मैं बोली थी भाई अगर मेरी माफ़ी से चल जाता है तो आप लोग माफ़ी ले लीजिए, हम लोग कोई ईगो वाले कोई घमंड वाले लोग नहीं है कि ये लोग कौन है करके, नहीं, हम झुक के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की इज्जत और किसी की जान का सवाल है, यू नो, इसलिए यहाँ पे कोई घमंड की बात नहीं है। लोग इंडस्ट्री से निकलते नहीं है, यहाँ पे सलमान भाई को फिल्मों में लोग यूज़ कर लेते हैं या उनके साथ फिल्में बनाते और लेकिन पीछे आके कोई बोलता नहीं है कि ये गलत बात है भाई, हर कोई डरपोक और सबकी पुंगी बजी है, मेरी पुंगी कभी बजती नहीं है, मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। तो मैं यू नो सलमान भाई मेरा लुंगी पहनता है और मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिश्नोई समाज के लोग, मेरे भाई हो आप और मेरी मैं आपकी बहन हूँ, गुस्सा ना करे, गुस्सा शांत करे और ये मारने मारने की धमकी ना दे। जिस खुदा ने आपको भी जन्म दिया है, सलमान भाई को भी दिया है, मुझे भी दिया है, तो जान लेने वाला तो
खुदा है, आप धमकी ना दें। क्या मैं जी पुलिस की हेल्प लोगे इसमें? अरे पुलिस की क्या हेल्प लो, अरे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो 6 घंटे बिठा देते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और तुम लोग बाहर रहते हो, राखी सावंत ब्रेकिंग न्यूज लगाते हो, राखी सावंत तो पुलिस स्टेशन में बैठी है, तुम लोग जब तक मैं कंप्लेंट लिखा के बाहर आ जाती हूँ तब तक तुम पता नहीं जेल भी पहुंचा देते हो, फांसी भी लगवा देते हो। हाँ पुलिस स्टेशन में जाके भी फायदा इसलिए नहीं कि वो हाथ पकड़ के 8 घंटे बिठा देते हैं, धीरे 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 पूछते हैं। ये पुलिस वालों को कोई तो डोज वाला इंजेक्शन लगाओ ताकि फटाफट कंप्लेंट ले, फटाफट हमको भेज दे। बट मैम आपको नहीं लगता कि आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि आप इस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है तो आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है? सुनिए मेरे पास करो, पीछे किधर आओ, पीछे के का कल तो मतलब मैं क्या करता, मैं क्या नहीं मतलब जिस तरह ये गोली मार रहा है, गोली मार रहा है, गोली मार रहा है, गोली मार रहा है, अरे गिरेगा गिरेगा वो पीछे, गोली मार रहा है, गोली मार रहा है। ऐसा थोड़ी ना मीडिया से बात करते करते गोली मारोगे तुम लोग, गोली मार रहा है, देखो पीछे हो गया, हो गया राजा सेफ रहिए, गोली मार रहा है साथ में। हां पक्का बंदूक कहाँ रखी है, गन दिखा नीचे, नहीं वो पैंट के अंदर क्या दिखा, हो गया था मैंने बोला पैंट गन जैसा लग रहा था ना, पता नहीं ना आजकल वो संभल के रहना पड़ता है भाई। अरे तुम लोग मेरे मुंह में घुस जाओगे क्या यार, अभी गर्मी छोड़ो, इतने माइक मेरे मुंह में घुस जाएंगे यार, इतने माइक है इसमें से कोई बंदूक ना हो वो तो मारेंगे बाद में, तुम लोग पहले मार डालोगे, देखो हो गया मैं जाऊँ, आपका क्वेश्चन जो था आपका अभी क्या जान लेगी, बाकी जी जवाब दे दीजिए, बोल बोल कि मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है इस समय मीडिया के सामने इस तरह, तो आपको नहीं लगता कि मैं एक बात बोलूं, जब अभी मेल आया ना मुझे कल, मैंने आप लोगों को भेजा भी है और वो उस मेल पे आप लोग बात करो ना, पुलिस को आप लोग दो ना, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, मेरे को 8 घंटे बिठा के रखते हैं, चाय पिलाते बिस्किट खिलाते सब करते, मेरे को नहीं जाना पुलिस स्टेशन, रोजा भी चल रहा है, मेरा रोजा भी चल रहा है, मैं बोलते बोलते उधर सो जाऊंगी, कंबल लेके जाती हूँ पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट लिखते लिखते पुलिस स्टेशन में ही सो जाऊंगी, वो 6 घंटे लगाते हैं 8 घंटे लगाते हैं, मैं कहाँ जाऊँ पुलिस स्टेशन बताओ। ओके मैम मूव द क्वेश्चन, आपने रोजा सिक्योरिटी है, मुझे मुझे सिक्योरिटी अभी कौन देगा, छोटू पांडे अरे मैं कंगना रनावत थोड़ी हूँ, तो बीजेपी डायरेक्ट मुझे जेड सिक्योरिटी दे देगी, बताइए मुझे लगता है छोटू कहाँ, छोटू आया नहीं आज, हाँ छोटू भाई तू भाड़ में जा, सुन मेरी बात, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को धमकी मिल रही है, किधर है तू जल्दी आ, किधर कितना देर, मैं नीचे खड़ी हूँ, वो आ रहा है अभी, मेरा बॉडीगार्ड आ रहा है, इधर ही रुकना कहीं जाना नहीं, मैं वेट कर रही हूँ बॉडीगार्ड की, चलो पीछे जाओ, रुको रुको बॉडीगार्ड आ रहा है, कर लेते हैं, रेडी रेडी।